मेरे शरीर को कोई भरोसा नहीं चाले। लारले साल की बात, लारले मार्च की बात है। मैं मारे रूम रे बार बैठो सोफा पर दिनरा देखो संत महापुरुष वे बिया ने उम्र रो पहले ही पतो चाल जाए करे। भाई साहब लारलो जो पहलो सबो जो लॉकडाउन लागियो उन भाई साहब आन मैंने कियो तावड़े मोए सो रिया था। दिन रा एक बजे मैं बाहर रूम रे बाहर बैठो था, एकदम दौड़ ना आया कि संता था खन खूने कि मारे खने तो वो गोपाल बैठो हो गयो। वो गोपाल है भाई साहब, भाई बैठो मारे भाई साहब ऐसा रुक रही हो कि नीचे में जाओ। मैं गोपाल क्यों भाई नीचे जा नीचे आयो और भाई साहब एकदम मतलब कोई डरूडो वे जिन प्रकार एकदम भाई साहब अचानक कियो कि संता मेरे शरीर को कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब आ बात आप आज यू की कर कह रहे हो, कई बात कोई बीमारी है तो बताओ डॉक्टर ने बतावा, आप खुद डॉक्टर हो हजारों लोगों ने तैयार करो। आप अचानक एकदम बात की कर कह रहे हो कि शरीर को कोई भरोसा नहीं है। नहीं संता थे ने यूं मत समझो शरीर को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भाई साहब आप रे कोई बीमारी है नहीं। आप रो शरीर है जो आज 60 साल की उम्र हो गई है लेकिन लागे अली 40-45 साल तो भाई साहब यूं शरीर लागत साधना कर तपोड़ो शरीर हो भाई साहब कोई बीमारी नहीं है। आप यूं की कर कह रहे हो माने कम से कम आधो एक घंटे तो बात चलती रही मारे बात बात मनी को नहीं मन ध्यान नहीं के भाई सर भाई संत है पहला एकदम बात एकदम खरी करी कह रही है कि संता हम धीरे 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 संभाल दो ठीक रही विश्वास थोड़ी गई बात है। और आई जो एक साल ते जटे भी मैं बाहर जाऊता कोई भगत बुलावता तो पहला तो भाई साहब कहता कि भाई साहब मन आऊ फोन माती अजय आओता भाई साहब, लेकिन लारले एक साल से भाई साहब कह दिया कि भाई अब आई जे कोई सबने लगभग मन नहीं करता और ज्यादातर 50 बार कोई कह तो भाई साहब कहता भाई हाँ ज्यादा कह होता तो ही भाई साहब। और लास्ट बोरुंदे भागवत कहता ही अटू गया बीमार पड़ गया खांसी जुकाम हुयो बट बोरुंदार मोहन इलाज चलायो सुजीत बनान हॉस्पिटल मोहन लेन गया लेकिन सर्दी जुकाम लागूडो छातीर मोहन कपड़ो जमा हो गयो डॉक्टर कन्वटी इलाज करायो फर्क पड़ियो बोलो 19 तारीख रा कथा पूरी हुई 20-21 तारीख रा बनार कोई भट्टा रो मोड़ तोड़ नया भट्टा बना रिया था और पाचा हटाया मैं 21 तारीख रा 22 तारीख रा वैसा नीचे ही सो रिया था। कोई भगत आवे मिलता क्यों अब अटीस बना अट कोई दूसरा कोई हा कोई भाई साहब खुद कोई अट नहीं होता नारायण जी दयाल बना काम करना अट नहीं होता तो बिलावनो खुद हाथों कर ले होता रोटी सब्जी हाथों बना ले होता आज नहीं दीख तो ये सब काम हाथों कर ले होता भाई साहब किन माती मतलब कि नहीं यूं भरोसे कौन बैठ रहता कहते वो आवेला तो काम हो भाई साहब खुद आप हाथों काम कर लेता। 22 तारीख रा 23 तारीख रा डायरी का नेम जी जाट है वे आया क्यों भाई साहब बच्चे की शादी है 30 तारीख ना आपने आनो है मन आज इतना साल हो गया भाई साहब के अंदर रहता भाई साहब बीमार होता कोई सर्दी जुकाम लागू हो या कोई काम हो जाता तो भाई साहब कह देता कि भाई अब यार थोड़ा काम है मैं पचाऊंगा भाई 30 तारीख का कोई काम है पचाऊंगा लेकिन उन दिन नेम जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नेम जी हम आई जब अबे आई जे कौन यूं नहीं कह रिया है बटे बटे भी मारो दिमाग में यू भाई साहब आज इतना साल हो गया कभी मना नहीं करे कि भाई हमें आई जे कौन आ बात कभी नहीं कहे लेकिन आज आई एकदम स्पष्ट बात की कर कह रिया कि अब आई जे बट मने थोड़ो मतलब दुख हुयो उन बात पाची बा एक साल वाली बात याद आने लगी मैं यू जो भाई साहब उन टाइम कियो तो उन बात ने याद करी बात 23 तारीख रहा मैं श्याम रहा ऊपर बैठा था 23 तारीख रा भी कियो मैं क्यों भाई साहब जोधपुर आना ज्यादा तकलीफ है तो आप रे छातीर मोहन कपड़ो जमा हो जो डॉक्टर ने दिखा दा करता क्यों अब संता भले हालो कटी बना शरीर रहू ना है लेकिन वो बड़ो जीव समझियो नहीं संता की बात में
23 तारीख ने रात पड़गी थी। मैं अब आला भाई साहब भाई सकी हो के अब रात पड़गी सुबह आ जा। 23 तारीख रात में बैठा मुनि जी मैं खन बैठा। अंतिम रोने एक बात मैंने जरूर की थी गांव रोने अटे इतना साल अट लिया था भाई सर मंद्र मोने एक थोड़ो आ जाओ भाई आज इतना साल लिया इतनी सेवा करी इतनी गायें सेवा करी तो भलो करियो कह देखो मैं बीमार हूं लेकिन मारखन कोई अट गांव रा मिलने नहीं आया। रात्रि 11 बजे बात की थी मैं श्याम सिंह ने फोन करियो मैं भाई साहब बात कह दिया मैंने श्याम सिंह ने फोन करियो मैं क्यों श्याम सिंह और आप घर आया भाई सर छाती जी मालिश करी थोड़ी श्वास की प्रॉब्लम ज्यादा होगी थी। रात में मन क्यों संता अब जोधपुर हालो बली लेकिन वो शरीर रहना है कोई और सुबह किया मुनि जी ने बैठा कर मुनि जी ने सिया कि मुनि जी अब गौशाला संभाल दी और सुबह रहा अडू में गाड़ी मोहन रवाना होने लगा जन एक आप कमरा चाबी क्यों लो संता हम राख ले और जोधपुर मोहन 3-4 दिन एम्स मोहन भर्ती लिया हुआ हालांकि कोरोना नहीं हो रिपोर्ट चेक करवाई थी पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी दूसरी रिपोर्ट करवाई बाद भी नेगेटिव आई तीसरी रिपोर्ट तो जब बड़े सब भेड़ा सस्पेंड वार्ड हो बिन कोरोना बिना कोरोना वो सब ने बिन मोहन डाक था जिन कारण तीसरी रिपोर्ट भेड़ा रहना रे कारण पॉजिटिव आ गई थी बाकी भाई साहब कोई कोरोना हुई नहीं लेकिन कुल मिलान जो मैंने बातें बताई उन अनुसार यूँ लाग रही है कि भाई सारी उम्र इतनी छी आज जीवन मोहन कितु भलो काम करियो कितु चौको काम करियो आज आप सब याद करा भाई साहब क्यों क्योंकि आज मैंने कम से कम 20 साल हो गया लाठ रहता ने चाहे मारा माँ गिनो चाहे गुरु गिनो छोटो मैं नहीं समझता हूँ उन टाइम मैं अट रह रही हूँ बड़ी गुरु महाराज जी कृपा हुई जब तक मैं अट रही हूँ तब तक मैंने कोई भी किनी भी प्रकार आज ते मन कोई भाई साहब रेकारो नहीं दियो कह संता मैं कहता हूँ भाई साहब आप मैंने रेकारो भाई साहब जिकारो मत दो मैं आप चेलो हूँ तो आप मैंने थूकेन भी बतला सको लेकिन संता चेतन राम जी इन अलावा कभी भाई साहब मैंने बतलाओ था कोई भी काम रोन आलस नहीं गौशाला रोन अगर कोई ग्वाल बाल काम नहीं कर ले छुट्टी कर लेता तो खुद जाओ था सुबह उठ गाय सेवा कर लाग जाओ तो खुद चारों ऐजो के नाकन लाग जाओ बहुत गुरु महाराज की कृपा ही और अब तो केवल यादा बनन रहे कि आपने बीच में गुरु महाराज रे जीवन रोन बहुत अनेक बातें हैं जो शब्द हा और उन अनुसार आप चलना तो अपने जीवन रो बेड़ो पार हो जावेला बहुत कुछ आपने अगर बिया ने देखा तो बहुत कुछ बतान किया बहुत कुछ आपने नहीं दिखता वह भी बे जीवन रो मन आज देखो सब गुरु महाराज की कृपा हुई जा पाठ बैठा इतो बड़ो आश्रम बनाया हुआ इतनी बड़ी गया री सेवा कर रिया है सब लोग कहता भाई साहब गया क्यों राखो लेकिन भाई साहब मंद्र मन एक ही भाव हो कि मन परमार्थ रो काम करना है। मैं लोग घना लोग नड़ दे क्या कोई मरूड़ा लोग आ जाओ तब यानी जीवता करन भेजता थाने सब ने ध्यान है घना लोग रो भलो करियो केवल और केवल मंदिर मन परमार्थ रो भाव और मारो जीवन जो चल रही है आज गुरु की कृपा हुई चल रही है गुरु महाराज की कृपा हुई मन यू समझो ना मैं कदी कई कई जीवन रोन अनेक बात ऐडी है जो कदी की नहीं बताई नहीं आज से 2008 महीने सोबाई साल शेर साहब विराजमान है जेठमल जी साहब 2008 की बात है मैं एक बार हरिद्वार गया था शेर साहब साथिया मन याद है 29 जनारो संघ हो बाप जी री मार मत कितनी कृपा रही वेला और बाप जी री कृपा हुई जो जीवन चाल रही आज जीवन की गाड़ी बाप जी और गुरु महाराज की कृपा हुई चाल रही है कितनी बार गुरु महाराज मैंने बचाने वास्ते आया भैया एक छोटी सी बात याद आ गई मैं हरिद्वार गया था 29 जनारो मानो संघ 2008 की बात है और गीता भाई साहब सो भाई साहब आप सब जानो गीता भाई साहब सो भाई साहब किया उन दिन में चिंतामणि धर्मशाला आई बट रुकिया जो जैन आप रहे बाणियारी धर्मशाला फिर बाद में एक माल्यानी धर्मशाला उन माल्यानी धर्मशाला में रुकिया सब लोग हाथी भोजन बनाता सामान ले लेता सब भोजन करता बैठ रहा था कम से कम एक महीनो रिया था 15 दिन हरिद्वार रिया और 15 दिन ऋषिकेश एक महीने री यात्रा आई हरिद्वार मैंने सुबह सुबह रो समय मैं गीता भाई साहब और सो भाई साहब मैं छोटो ही हूं तो मैं गंगा जी रा सुबह सुबह दर्शन करने वास्ते स्नान वास्ते गया और बटू वापस आ रहा था
शोभा भाई साहब और गीता भाई साहब मन कियो के लो संधा आ सब्जी है जो कि लेन जाओ बरा आधो किलो मिर्चा ही थोड़ा टमाटर क्यों थे जाओ और सब ने कही जो सब्जी बनावे जीत मैं भारत माता रे मंदिर दर्शन करना मन पूछियो के थे जाओ पर कहीं मैं छोटो ही हूं टेम घणो समझ तो भी कोनी होन अड़ मैं पहली बार 2008 री बात है कम से कम 13-14 साल पहला री बात है मैं समझ तो भी कोनी बारे भी पहली बार ही गयो तो मैं क्यों मैं जाप रहा हूं क्यों अटू 1 किलोमीटर है और सीधी रोड आ जो की धर्मशाला जावे ठीक लेकिन बे गीता वैसा सो वैसा था पदार के भारत माता मंदिर दर्शन करने वास्ते रिक्शो कर और मैं बटू रवाना हो गयो थोड़ो सो 20-50 कदम रखिया हुए लागे बट मारू मातो घूम गयो मैं छोटो जन मार बार जाऊं जन आज भी मारू मातो घूम जाए कई लोग रोया करे कई कह सूरज अगुण उगे बिया रात उगुण लाग जाए उजया करे तो थोड़ो पैदल चालियो मारो बट मातो घूम गयो तो मन बट ध्यान नहीं दियो के धर्मशाला करने कठिन जानो चाहिए अब कोई 25-30 लोग मिलिया सब ने पूछियो मैं क्यों भाई दूधाधारी चौक रखन बाद धर्मशाला मैं क्यों दूधाधारी चौक कटे लेकिन कोई बताओ ही नहीं बटे 50 जना ने पूछियो कोई बताओ ही नहीं बट एक सरदार खड़ो तू और वो मारो हाथ पकड़ लियो क्यों ले मैं बताऊं तो ना चल मेरे साथ में चल मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ है तेरी धर्मशाला तू कहाँ रुका मैंने बट डर ला गयो नहीं और आज मन कहा टकटी लेन जाए और भाई साहब बचपन में माने बात कुछ बहुत कुछ सुना था माने मतलब समय समय पर भाई साहब बहुत ज्ञान देता छोटी छोटी बात बहुत कुछ सीखा था सीखने वास्ते मिली भी कि अकेलो नहीं जानो चाहिए कटी बाले लोगों मात विश्वास नहीं करना चाहिए कि बहुत कुछ ऐडी अनजान माते बीच विश्वास नहीं करना चाहिए कोई आदमी कुछ करन खिला दे बाहर जाओ जन ध्यान रख लो बहुत ऐडी बात बताओ था मैंने भाई सारी वे बात याद आने लगी और सरदार है जो बढ़िया एकदम काटो हाथ पकड़ लियो मारो छोड़े ही नहीं वो थोड़े 5-10 कदम धरियो लेन चल गयो मैं दीजो कहा मन में डर भी है छुड़ावे तो असंधी जगह छुड़ाने वालों भी कौन है लेकिन एकदम पीछे कोई संत आया और संत आन लारू आवाज लगी कह रहे भाई सिद्ध जानो है इंदिर मान बोले कहाँ जाना है तेरे भैया मुने दूधाधारी चौक जाऊ तो बोले ओ सरदार है अब थाने ले जाए और थाने मार दे खत्म कर दे हाथ छुड़ा इनको अब हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी वो छुड़ावे नहीं संत खुद हाथ छुड़ाए जबरदस्ती हाथ छुड़ा और काटो हाथ पकड़ मार और क्यों ले मैं थाने ले जाऊं और लेन आया क्योंकि इन धर्मशालों में 12 पग मत दर्ज अगर 12 पग दर्ज नहीं तो अट कई लोग ऐडा रह जावे ले जावेला और खत्म कर देवेला अंदर ही रहे कभी बाहर निकले तो कि साथ निकले अगर अकेलो मत जाए और थोड़ी देर आगे गया संत गायब गया तो मैं तो वही समझू कि मारे जीवन रमन ऐडा बहुत किस्सा है छोटा छोटा मैं खूब गुरु महाराज की कृपा बहुत यात्रा हुई है जीवन रमन आज 13-14 साल हुई है भगवान की कृपा यात्रा माती है तो ऐडा कई जीवन रमन किस्सा हुआ तो मैं तो आई समझू कि मारे माते गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज की कृपा के कारण ही जीवन दान मिलियो है और अब है आश्रम की सेवा गौशाला की सेवा गोमाता की सेवा तो आप सब रे कारण ही जा गोमाता की सेवा चालेला तो मैं तो वही निवेदन करूँ आप सब लोग सु कि अब शारीरिक रूप सु तो अपने बीच में गुरु महाराज है नहीं लेकिन मानसिक रूप सु और गुरु महाराज रो आशीर्वाद अपने माते हमेशा बनियो रहेला और आप सब लोगों ने सहयोग राखनो है गौशाला रे मोने आश्रम रे मोने आनो है सेवा देनी है और आज गुरु पूर्णिमा रे उपलक्ष्य में आप जीता भी श्रद्धालु भक्त लोग पधारिया है।